हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केशा शर्मा एजी व्लॉग्स। एंड आज हम आए हैं फ्रेंड्स इस्कॉन टेंपल। ये फ्रेंड्स गाजियाबाद में है एंड हम आए हैं कान्हा जी के दर्शन करने के लिए। एंड यहाँ पर हो रहा था फ्रेंड्स कीर्तन। आने के कुछ देर बाद ही हमने किए यहाँ पर कान्हा जी के दर्शन। ये आप भी करें हमारे साथ कान्हा जी एंड राधा रानी के दर्शन। ये देखो फ्रेंड्स कितने प्यारे लग रहे हैं कान्हा जी। ये फ्रेंड्स जगन्नाथ जी हैं, आपको यहाँ पर जगन्नाथ जी के भी दर्शन होंगे। यहाँ पर साइड में ही भगवान जी के भाई एंड बहन साथ में हैं। दर्शन करने के बाद हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे। यहाँ किशु भी हमारे साथ नीचे बैठ गई थी। रामा हरे कृष्णा की धुन लगी हुई थी। यहाँ बैठकर काफ़ी अच्छा लग रहा था एंड फ्रेंड्स मन को काफ़ी शांति मिल रही थी। एंड किशु यहाँ पर डांस कर रही थी, किशु को भी काफ़ी मजा आ रहा था। एंड काफ़ी अच्छा मंदिर है फ्रेंड्स। एंड केशु कर रही थी यहाँ पर डांस मस्ती एंड अपना तिलक देख रही थी जो टीका लगा हुआ था कि मम्मा ये आपके भी लगा हुआ है, क्यों इसको चेक कर रही थी केशु। एंड यहाँ पर खेल भी रही थी, केशु को भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। ये था फ्रेंड्स परिक्रमा मार्ग एंड यहाँ से स्टार्ट होता है। एंड यहाँ पर लगा रखी थी कान्हा जी के अलग अलग रूपों की सीनरीज। एंड ये है यहाँ के गुरुजी जिन्होंने इनकी स्थापना की थी इस मंदिर की। एंड इस सीनरी में दिखाया गया है जब यमुना नदी पार कर रहे थे कान्हा जी को लेकर। एंड इसमें कान्हा जी ने अपने दिव्य दर्शन दे रखे हैं। एंड यहाँ पर सारी सीनरी काफ़ी ब्यूटीफुल थी और इनमें हर सीनरी में कान्हा जी के, इसमें कान्हा जी जब छोटे थे तब के दर्शन कराए गए हैं। यहाँ पर यशोदा माता के साथ मटकी से मक्खन चुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड इसमें जब कान्हा जी को कोई राक्षस उठा के ले गया था तो इसमें ये दिखाया गया है। एंड गैलरी काफ़ी बड़ी है एंड सभी सीनरी से पूरी गैलरी को सजाया गया है। इसमें यशोमती मैया के साथ कान्हा जी एंड यहाँ पर फिर से अगेन
बलराम जी के साथ मक्खन चुराते हुए एंड यशोदा माता के साथ इस वाली सीनरी में दिखाया गया है कि फल लेते हुए एंड इसमें गवालों के साथ गईयां चराते हुए एंड यहाँ पर इसमें दिखाया है यशोमती मैया के साथ। यहाँ पर इन ये सारी बहुत प्यारी प्यारी सीनरीज हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। यहाँ पर शेष नाग पर नृत्य करते हुए, यहाँ पर गरुड़ राक्षस से गोपालों को बचाते हुए, हर एक सीनरी में कुछ कान्हा जी की जो बचपन की यादें, यहाँ सुदामा जी के साथ शिक्षा ग्रहण करते हुए एंड यहाँ पर काफ़ी शांति थी एंड अच्छा लग रहा था। ये देखो कितनी प्यारी कान्हा जी की राधा रानी के साथ प्रतिमा है, काफ़ी पूरा गैलरी परिक्रमा मार्ग अच्छा लग रहा था। यहाँ पर नरसिंह बने हुए भगवान श्री नारायण जी की भी प्रतिमा काफ़ी प्यारी लग रही है, ये कंस को मार रहे हैं। सारी सीनरीज काफ़ी ब्यूटीफुल हैं एंड किशु कर रही थी यहाँ पर मस्ती एंड ये पूरा परिक्रमा मार्ग काफ़ी ब्यूटीफुल सीनरीज से सजाया हुआ है। परिक्रमा करने के बाद फिर हम आके बैठ गए थे यहाँ थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर किशु को भी काफ़ी मज़ा आ रहा था एंड कुछ देर बैठने के बाद हम आ गए थे बाहर एंड बाहर गेट पर भी कुछ ऐसी चित्रकारी की गई थी। यहाँ पर आप दान भी कर सकते हैं, ये दीदी बैठी हैं यहाँ पर, इनको आप दान दे सकते हैं। यहाँ पर हर दिन भंडारा लगता है, खाना खिलाया जाता है एंड यहाँ पर ये शॉप है, यहाँ से आप कुछ भी बाय कर सकते हैं एंड अब आ गए थे हम बिल्कुल बाहर एंड ये है बाहर से मंदिर का व्यू। मंदिर काफ़ी अच्छा है, आप ही आके यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं एंड दान कर सकते हैं। इधर ये है प्रसाद की दुकानें एंड आप इधर से आके प्रसाद ले सकते हैं एंड मंदिर बिल्कुल मेन रोड पर ही है। आप यहाँ अपनी स्कूटी एंड कार, आप ऑटो किसी से भी आ सकते हैं। हम आए हुए थे फ्रेंड्स अपनी स्कूटी से एंड ये हमारे घर के बिल्कुल पास ही है, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है हमारे घर से एंड काफ़ी प्यारा वेदर था एंड हमने सोचा कि पास में ही है, स्कूटी से चलते हैं। आज हम आए हुए थे स्कूटी से एंड आसपास का व्यू भी काफ़ी अच्छा था, यहाँ पर काफ़ी हरियाली है एंड काफ़ी अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं आपको वीडियो में जैसा आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं करती हूँ फ्रेंड्स वीडियो का यहीं पे एंड, ये था हमारा आज का व्लॉग। आप मुझे बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो फ्रेंड्स लाइक कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।